विधवा महिला और उसके लड़के को कई लोगों ने जमकर पीटा, जिला अस्पताल में एडमिट। बता दें कि मामला आजमगढ़ जनपद के अतौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव का है, जहां की पीड़िता उषा ने बताया, आरोप लगाया है कि उसको और उसके लड़के को जिला अस्पताल पहुंचकर मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि बुधवार को हमें और हमारे लड़के को कई लोगों ने लाठी और डंडों से जमकर पीटा और हमारे लड़के के ऊपर छेड़खानी का झूठा आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि मेरा लड़का 22 तारीख को करीब 2 बजे अपने बगल के घर दाल लेने गया, जहां की जलन के कारण उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाकर उसे घर में बंद कर दिया गया और अपने कई रिश्तेदारों को बुलवाकर हमें और हमारे लड़के को लाठी और डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया। गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और उसके बाद हमने अतुलिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर यहाँ की गुहार लगाई है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। परिचय बताओ अपना। करण सोनी, महादेवपुर। क्या हुआ था? पहले हम गए इनके घर पे दाल लेने, तो दाल लिए, दे रहे थे उनको दाल, हम लेके आ रहे थे, फिर इसके पापा आ गए बाहर, तो ये बोले इधर बैठ जाओ नहीं तुम्हारे पापा को उल्टा सोचेंगे। फिर वो आए, ये गई बाहर, फिर पापा को बता दी कि वो अंदर बैठा है, इसके पापा आए हमको ताले के अंदर बंद कर दिए। फिर फोन करके वहाँ अपने ससुराल से बुलाए, अमित आया था, आनंद आया था, और कुंदन, राजन और आनंद और हरिकांत, ये लोग मिल के हमको मारे। मारने के बाद मारने के बाद फिर बाहर हम लोग आए, बाहर भी मार रहे थे, हम घर में गए, घर में हमको दौड़ा दौड़ा के मारे, मम्मी को भी मारे। फिर उसके बाद कल जब यहाँ आए थे यहाँ सदर हॉस्पिटल में, तो आगे झूठे लगा रहे हैं कि हमको मारने के लिए आए, हम लोगों को ले जाके बंद करवा दिए थे हरिकांत। फिर उसके बाद कल भी आ रहे थे तो वहाँ ये सूर्यनाथ विश्वकर्मा ये धमकी दे रहे थे कल आके यहाँ पे मारने के लिए, कह रहे थे कि काट डालेंगे तुम लोगों को, जो करना हो कर लेंगे। अच्छा, जो छेड़खानी का आरोप आपके ऊपर लग रहा है उस पर क्या सफाई देंगे आप? सर हम कुछ किए ही नहीं, वो उसकी लड़की जो है वो हमको बोली कि इधर बैठ जाओ नहीं तो हमारे पापा कुछ उल्टा सोचेंगे। फिर आए, पहले से लोग हम लोग मारने की प्लानिंग में थे, पहले से। क्या पहले से कोई विवाद था आप लोगों के बीच में? पहले से कोई विवाद नहीं था, लेकिन पहले से देख के लोग हमेशा जलते थे, हर एक चीज में। नई बाइक आई थी उस पर हरिकंद मार दिए, पूरा वो बाइक हमारी टूट गई है। और फिर आज भी आए, कल भी आए थे, तो कल हम लोग मारने के लिए धमकी दे के गए हैं, सूर्यनाथ विश्वकर्मा, हरिकांत, ये दो लोग कह रहे हैं जहाँ भी लोग वहाँ मारेंगे। परिचय बताइए अपना। महादेवपुर। नाम क्या आपका? मेरा नाम उषा है। घटना क्या हुई थी? मेरा लड़का उसके घर पे गया दाल लेने, बस उसके घर पे गया दाल लेने, तब वो दाल दे रही थी, फिर उसका पापा आ गए बढ़िया से। बढ़िया से आने के बाद वो कह रही है कि यहाँ पे लुक जाओ तुम, नहीं मेरा पापा गलत कोई बात सोच रहे हैं। तो उसके बाद ये मेरा लड़का है तो बैठ गया, ये कह रहा कि मैं जा रहा हूँ बाहर, क्या बोलेंगे? तो ये कह वो कह रही है कि जो नहीं तुम यहाँ पे बैठ जाओ। मेरा लड़का वहाँ पे बैठ गया, फिर उसके बाद अपने बाप को बुला कर फिर उसके बाद कही कि जो अपने काम कर, फिर उसके बाद जो है बढ़िया से आया वो उसका बाप, तो इसको वहाँ पे खड़ा कर दी, ये वहाँ पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद फिर उसके बाद जो कह रही है कि यहाँ पे डूब जाओ, ये वहीं पे बैठ गया। बैठने के बाद कह रही है कि आके बाहर से आए तो कई पापा वहाँ पे देखो करण बैठे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये जो अब हमें यहाँ पे बैठा के तुम क्यों ऐसे बोल रही हो। फिर उसके बाद जो कह रही है कि पापा घर में वो जाके मुझे छेड़खानी कर रहा था, झूठे ही हैं। बस उसके बाद जो है वो उसका बाप जल्दी से ताला मार दिया इसको अंदर करके, ताला मार के मेरे मोबाइल पे उसके ससुराल से फ़ोन आया। वो किसके ससुराल से? उसके हरिकांत के। अच्छा। तो वो पूछ मुझसे पूछ रहा कि वो हरिकांत के घर पे क्या हो रहा है। मैं कही कि कुछ तो नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं उसके घर पर कोई ढूका है। मैं कह रही कि कोई तो नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि जो हम लोग आ रहे हैं तो हम हरकन से पूछ रहे हैं कि तुम बताइए क्या हो गया तुम्हारे घर में। तो कह रहा है कि कुछ तो नहीं हुआ, अभी होने वाला है सब कुछ। फिर उसके बाद जो उनके घर है उनके ससुराल से सब आए, हरिकांत के ससुराल से, अमित सचिन आनंद राजन कुंदन
कुंदन सब लोग आए, चार चक्का से आए, दो चक्के से आए, बड़े बड़े डंडा लेके आए। जब अंदर घुसने लगे तो हम पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, कीड़ा उड़ा निकला है क्या? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी एक साला इसमें लुकाया है, अब उसको मारेंगे। अंदर घुस के मेरे लड़कों के मारने लगे, पूरा अंदर घुस के मार के, फिर मैं पकड़ के इसको पूरा ऐसे दबोच ली, लेके गिर गई। गिरने के बाद जब मैं गिर गई बाहर वहाँ दलानी में, फिर उसके बाद मुझे भाग 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 साहब इतना मार मारे हैं सबकी, मार आप खुद ही देख रहे हैं कितना मार मारे हैं, झूठे बोल रहे हैं। फिर लेके अपना लड़का को मैं भागी अपने घर में, इसको बंद कर दी दरवाज़ा में। दरवाज़ा में बंद करने के बाद मेरा दरवाज़ा खोल के हमें दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। फिर उसके बाद मेरे लड़कों को घर में से निकाल के फिर मारने लगा। फिर मेरा बड़ा वाला लड़का आया थोड़ी देर के बाद, मैं फ़ोन की, फिर उसके बाद मेरा लड़का आया, इन लोग भाग गए थे झूठे पियोस होके। भागने के बाद ये चार चक्का से लेके सब भाग गए, और दो चक्का लेके इसका भाई वही सब इधर से भागे हैं। बस यही घटना है हमारी। फिर इसके बाद यहाँ पे आया था, जब मुझे देखा फिर उसके बाद सैनपुर में मुझे सब छेड़े। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों ने जो है प्रशासन को सूचना दिया है? मैं जब थाना पे गई थी। अच्छा, मैं थाना पे सब बयान दी है, पहले मैं ही थाना पे चौकी थी। आप लोगों का एप्लीकेशन FIR हो चुका है, सब कुछ हो गया था, तब इसके बाद ये प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहा है कि ये सब जो है ये लड़का के झूठी लगा रहे हैं सब, दरोगा हमारे सामने ये बात किए हैं, इनको फंसा रहे हैं सब। करण, आप ये लड़का जो है निर्दोष है सर, ये देखिए ये लोग मार। करण आपके लड़के हैं? हाँ मेरे लड़के हैं करण, मेरे लड़के को कोई गलती नहीं है। अच्छा, जो इनके ऊपर जो है छेड़खानी का जो आरोप लग रहा है, हाँ झूठ नहीं लगा रहा है, आरोप जो लगा रहा है तो उसको डॉक्टर का मुआयना करवाना चाहिए था ना, क्यों झूठ झूठ बोल रही है वो? उसको पहले बोलना चाहिए कि डॉक्टर मुआयना करवाइए, मेरा लड़का जब उसके साथ छेड़खानी किया है तो उसको डॉक्टर मुआयना करवाइए।